हेलो एवरीवन, सुधाज रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये बढ़िया सी रेसिपी लेकर। तो ये है हमारे एकदम बढ़िया से घिया के कोफ्ते, एकदम सॉफ्ट, एकदम बढ़िया से। यहाँ पे दही वाले घिया के कोफ्ते हमने बनाए हैं दही की ग्रेवी के अंदर, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। एकदम आसान तरीके से ये मैंने बनाए हैं। तो आइए अब इनको देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है घिया। घी को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटे कद्दूकस में कसा है। मोटे कद्दूकस से घिया का जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा आता है, थोड़ा मोटा मोटा आता है जो कोफ्ते बनते हैं, तो और भी बढ़िया लगता है। आप चाहे तो इसको नॉर्मल कद्दूकस में भी आप इसको कस के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल घिया कद्दूकस किया हुआ लिया है। जितना घिया ले रहा है उतना ही मेरे को बेसन लेना है। तो अगर मेरा एक बड़ा बोल घिया है तो उतना ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दी है अजवाइन, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है मैंने यहाँ पे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा हींग फ्लेवर के लिए। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसके अंदर धनिया भी डाल सकते हैं, अगर चाहते हैं तो चॉप्ड प्याज होता है वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसका जो घिया था, मैंने जब कद्दूकस किया था उसके जूस नहीं निकाला था, उसको निचोड़ा नहीं था, तो जो घी का जो पानी है उसी से ये हमारा जो बैटर है बहुत ही बढ़िया बन जाता है। अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला। नमक मैं तब डालूंगी जब मेरे को बिल्कुल फ्राई करने होंगे। नमक डालने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक डालने से पानी निकल जाता है, घिया जो है और पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैंने नमक सबसे लास्ट में डाला है। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे मैंने बॉल्स टाइप बना लिए हैं, उसको मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। देखिए यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको पकने में 10 मिनट तो लगते हैं। अब जब आप ध्यान रखें, जब भी आप इनको पकाएं तो एकदम आपको सबसे पहले हल्की सी तेज़ गैस रखनी है, फिर एकदम मीडियम गैस पे ही पकाना है, तेज़ गैस पे नहीं पकाना। तेज़ गैस पे पकाएंगे तो अंदर से जो है घिया के कोफ्ते कच्चे रह जाते हैं। इनको अंदर तक पकाने के लिए बिल्कुल मीडियम गैस पे आपको इनको रखना है, जिससे कि ये अंदर से भी बढ़िया तरीके से ये पककर तैयार हो जाए। और जैसे ही इनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सी लेयर आ जाती है, हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितने बढ़िया ये मेरे घिया के कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे बैच जो है वो निकाल लिए हैं। देखिए कितने मस्त कलर आया है ना, कितने बढ़िया तरीके से हमारे घिया के कोफ्ते रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम बनाते हैं यहाँ पर घिया के कोफ्ते की सब्जी। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ले लिया है थोड़ा सा यहाँ पर सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल प्रेफर करते हैं खाने में, आप जो भी ऑयल प्रेफर करते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाए यहाँ पे, तो अब उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ, यहाँ पे मैंने डाला है अदरक और लहसुन। वो जो क्लिप है वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो यहाँ पे नहीं आई है। जैसे ही ये हल्का सा हमारा लहसुन और अदरक हल्का सा ब्राउन हो जाए, मैंने डाला है बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे प्याज जो है मैंने पीसा नहीं है, हल्का सा बारीक कटा हुआ डाला है, जिससे कि आपकी जो ग्रेवी है उसमें बढ़िया सा एक क्रंचीनेस आए। प्याज जो है उसको बिल्कुल हल्का हल्का हमको गोल्डन ब्राउन तक होने तक इसको मेरे को अच्छे से भूनना है। आप इसको चलाते रहें जिससे कि ये बढ़िया कलर आ जाए इसके ऊपर। देखिए अब हमारा जो है प्याज एकदम भुनकर रेडी हो गया है, लहसुन और अदरक हमारा पहले ही भुन गया था। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालने स्टार्ट करते हैं सूखे हुए मसाले। तो यहाँ पर सूखे मसाले के अंदर मैंने डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद अब मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने डाला है गर्म मसाला, कलर के लिए यहाँ पे मैंने डाली है हल्दी, और अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। तो मसाले मैंने इसी टाइम पे डाले हैं जिससे कि ये मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाए। भुनने के बाद मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपके पास कोई और मसाले हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाले हैं। अब यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टमाटर को अच्छी तरह से पीस लिया है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये प्यूरी रेडी है। तो आप चाहें तो जो मार्केट में प्यूरी मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको मैं पकाऊंगी
कम से कम 10 मिनट तक, जब तक ये हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह से तेल ना छोड़ दे। 10 मिनट के लिए ढक के पकाने के बाद देखिए हमारा जो मसाला है प्यूरी, जो हमारा ये घी के कोफ्ते का मसाला है, एकदम रेडी हो गया है, बढ़िया तरीके से पक गया है। थोड़ा सा इसको अच्छे तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ दही। दही यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बड़े चम्मच। दही से आपकी ग्रेवी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा खटास आएगा। और ये जो है ये दही वाली ग्रेवी ही मैं बना रही हूँ जो घी के कोफ्ते में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच डाली है दही। दही से आपकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेक्स्चर इसका और भी अच्छा आता है। मुझे दही वाली जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब्जी के अंदर ज़्यादा दही वाली ग्रेवी ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो इसको नॉर्मली भी पानी के साथ बना सकते हैं, हल्का पानी डाल के आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो दही वाली एक बार आप ग्रेवी ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया आपके घिया के कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। ये देखिए अब हमने दही को डालकर हमको इसको पकाना है। जब मैंने दही डाली थी जो गैस है बिल्कुल मैंने सिम पे रखी थी, जिससे कि दही जो है ज़्यादा फटे ना। तो ये देखिए हमारी रेडी हो गई है ये एकदम बढ़िया सी ग्रेवी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे एक बार ये इस तरह से रेसिपी बनाकर एक बार कमेंट करके बताएं कि आपके ये घिया के कोफ्ते कैसे बने। तो अब यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं जो हमने घिया के कोफ्ते फ्राई किए थे वो मैंने इस ग्रेवी के अंदर डाल दिए हैं। जितने भी घिया के कोफ्ते हैं ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से डाल के अब इस मेरे को हल्का सा पानी डालना है। यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है। हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मेरे को मिक्स करना है, जिससे कि सारे मसाले जो हैं कोफ्ते के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाएं, जो ग्रेवी के अंदर ये कोफ्ते बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं। और अब इसको मेरे को ढककर पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैं इसको ढककर पकाने के लिए रखूँगी। और यहाँ पर अब जो मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट, जिससे कि फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया सा, जो कि है नमक। यहाँ पर मैंने नमक जो है वो लास्ट में डाला है, क्योंकि दही के अंदर नमक अगर पहले डाल देते तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा पानी सा छोड़ देते हैं। सबसे लास्ट में मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक डाल के मैं अच्छी तरह से इसको कर दूंगी मिक्स और इसको ढककर यहाँ पे मैं पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब देखें कितना ही बढ़िया सा एक बॉईल आ गया है और एक ऊपर हल्का सा एक कलर आ गया है। जो ये हमने इसके अंदर लाल कश्मीरी मिर्च डाली थी उसका एक कलर सा आ गया है। तो ये हमारे घिया के कोफ्ते जो हैं एकदम बनकर रेडी हो गए हैं। एकदम गर्मा गर्म इनको सर्व करिए। अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये टाइट हो जाती है, इसकी ग्रेवी जो है, कोफ्ते जो है ग्रेवी को अच्छी तरह से पी लेते हैं। तो एकदम गर्मा गर्म रेडी टू सर्व है ये। इसको आप इंजॉय करें रोटी के साथ या फिर राइस के साथ, जो भी आप खाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी में मेरे इस चैनल सुधाज रसोई पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इसी तरह से मेरी न्यू रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें, देखते रहें सुधाज रसोई।